हुआ है आज पहली बार जो लेट हुआ हूँ, लेकिन कल से मैं फिर से रेगुलर आ जाऊँगा। मुझे भी लगता है कि मुझे रेगुलर होना चाहिए। शायद मैं एक आध वीडियो सुबह में डालूँ, एक आध वीडियो शाम में डालूँ, ऐसे दो वीडियो मुझे करने चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल आ रहा है जियो का 1.5 GB नेट। और मेरे ख्याल से फ़िलहाल आपको पता ही होगा, 1299 में कॉल करते ही जियो आपको देगा 10 GB नेट, तो ले लीजिए जिसको भी मिलता है। ओके, तो आज की मैच जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप देखना चाहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग तो मुझे लगता है आपको नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा जियो टीवी में। लेकिन जब तक मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है शायद, ठीक है ट्राई अगेन करता हूँ, मुझे लगता है स्क्रीन रिकॉर्डर शुरू है तो शायद जियो टीवी ना भी खुल पाए, शायद खुल जाए, ऐसा भी है नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा खुलूँगा नहीं इस प्रकार से। तो यहाँ पर से आप आसानी से मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो बस यहीं तक का था इस वीडियो में। और जियो टीवी में अगर आप देखें तो डी स्पोर्ट्स को उन्होंने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है, पता नहीं वीडियो अनअवेलेबल बता रहा है। और ज़्यादातर जियो चैनल्स में आवाज़ जो है दुगनी सुनाई देती थी, लेकिन वो अब शायद ठीक हो चुके हैं। आप एक और चैनल में देख सकते हैं, वो है रिश्ते सिनेप्लेक्स, जिसमें आप हिंदी में देख सकते हैं इस मैच को, या फिर अगले सभी मैचेस जो है वो आप हिंदी में कमेंट्री के साथ सुन सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो इतना छोटा ही था क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको बता दूं कि किस चैनल पर ये वीडियो या फिर आएगा। अगर आप किसी ऑफलाइन पे जाना चाहते हैं, मतलब किसी ऐसी साइट पर, तो आप माई क्रिकेट लिख सकते हैं, माई क्रिकेट, तो शायद माई क्रिकेट ये रहा, माई लाइव क्रिकेट .tv, तो उसमें जाए तो यहाँ पर लिखा होगा श्रीलंका, श्रीलंका वर्सेस इंडिया फर्स्ट मैच लाइव क्रिकेट, तो उसमें जाए। उसमें जाने के बाद आपको कुछ ऐसी वैसी एड्स आ जाएंगी, लेकिन आप उसको यहाँ से जो ये क्लोज का बटन होगा उसको दबा दीजिए। वीडियो अनअवेलेबल है तो दूसरी लिंक पर जाइए, यहाँ पर शायद आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी अनअवेलेबल है वीडियो। तो कुछ जगह से वीडियो अनअवेलेबल किया गया है, क्योंकि पता नहीं क्यों अनअवेलेबल है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ कारण होंगे उसके। लेकिन ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं, अगर आप ट्राई करें तो अपने घर में। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा मैं वीडियो को।